लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल पहुँचे हैं हम शैनीवास धाम में। दोपहर का टाइम है और यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही एक इमरजेंसी झाड़ा भक्त सत्यनारायण ने लगाया था। जो रोहतक से आए हुए थे, एक बिल्कुल मासूम सी बच्ची जो बिल्कुल आँखों से अंधी थी, उसको झाड़ा लगाया और उसको आँखें मिल गई। दोबारा झाड़ा लगाया है, उसको आँखें पहले झाड़े में मिल गई थी। आज वो दर्शन करने के लिए यहाँ आए थे। मैं बस दो ही मिनट लेट हो गया और यहाँ पहुँचा तो अनिल भाई ने वीडियो बनाई उनकी, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार एक मासूम सी बच्ची की आंखें आ गई। चमत्कार तो होते हैं और चमत्कार को ही नमस्कार है। और हम आए तो इसलिए थे कि देखते हैं कि झाड़ा बंद है या लोग आ रहे हैं या लोगों से बात करते हैं, उनको कितना आराम हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दिए। ये देखिए, ग्राउंड पूरा खाली पड़ा है। 3 तारीख से झाड़ा जो है शुरू होगा और 2 तारीख तक बंद है। इमरजेंसी में अभी भी झाड़ा लगाया जा रहा है और जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनको झाड़ा गुरुजी लगा देता है। और आप आइए, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, ये वीडियो देखिए। राम राम। जितने भी यूट्यूब पे चैनल पे जो भी भाई वीडियो ये डाल रहे हैं, मैं मंदिर कमेटी से अनिल पुनिया बोल रहा हूँ। जो लोग भाई हमारा ना तो कोई यूट्यूब चैनल है ना कोई चैनल के लिए वीडियो बनाते हैं, मैं तो एक आध वीडियो कोई भाई यहाँ परेशानी में आते हैं तो बताते हैं कि मुझे फायदा हो तो उसकी वीडियो बना देता हूँ। ये भाई आए हैं कहाँ से आए भैया? पहले नहीं दिखाई देता था, अब दिखने लग गया, यही बोल रहे हैं। पहले बरामदे से दिखने लग गया था, दो तीसरी बार आवाज आ रही है, सबसे आया। ये बच्ची आई थी पहली बार आती, इनको दिखने लग गया था, पहली बार में ही दिखाई देने लग गया था, अंधी बच्ची थी। ये तीसरी बार अब आए हैं, अपने मन से आए हैं, झाड़ा लगवाने का कोई वो नहीं, लेकिन मन से आए कि इनकी बच्ची को आँख मिल गई। अभी इतनी छोटी बच्ची है, इनको आँख मिल गई, यहाँ न पैसे लगते हैं न कुछ हो रहा है। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो भाई बाहर से यूट्यूबर हैं वो बोलते हैं वहाँ पे पाखंड है। आपसे पैसा लिया गया था यहाँ? ना जी ना, बोलता कोई पैसा नहीं लिया गया था। हाँ, बाकी मैंने तो डॉक्टर ने दिखाई थी, डॉक्टर ने समझ के दूसरा हुआ। आप ये भाई डॉक्टर के यहाँ भी चले गए थे, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, बच्ची अंधी है, 100% अंधी बता रखी थी। वो इन बच्ची को अभी सब कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है ना। देखो, इस बच्ची की ज़िंदगी बन गई भाई यहाँ पे आने के बाद। तो कुछ ना कुछ गुरु जी के जो भी है आशीर्वाद है भगवान का, क्या है कुछ नहीं, दुनिया ठीक हो रही है। 90% आदमी ठीक होते हैं यहाँ पे जो श्रद्धा से आते हैं, बाकी तो एक आध तो 100 के 100 तो डॉक्टर से भी ठीक नहीं होते। भाई पहली बार में बच्ची को आँख मिल गई, इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा यहाँ पे। अभी 3 तारीख तक बंद कर रखा है झाड़ा, गुरु जी के यहाँ कोई दुखद घटना हो गई थी। लेकिन जो इमरजेंसी आ जाते हैं, जो श्रद्धालु आ जाते हैं जिनको पता नहीं है, तो उनको गुरु जी सुबह शाम आके झाड़ा लगा देते हैं। वैसे ही धूप ज़्यादा है थोड़ी, इसलिए करके थोड़ी पब्लिक को दिन में मना करते हैं कि धूप के टाइम में नहीं आए, सुबह शाम आए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और सच्चे मन से आए, सच्चे मन से आते हैं तो सब कुछ भगवान भी सुनता है। इनको फ़ायदा हुआ है, पहले झाड़े में ही आँखें मिली हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। अभी आपके सामने है या आप बात करके देख सकते हैं, बच्ची से दिखाई देता हूँ मैं आपको। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका।